हेलो दोस्तों, नमस्कार। राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, सुबह का टाइम है और मैं देखिए घर के सारे काम से हो चुकी फ्री, तो सोचा अभी मैं बना लेती हूँ खाना, और खाने की तैयारी चल रही है अभी। तो इस साइड है ना, अभी मेरे यहाँ काम चालू हो गया है मेरे घर के सामने। तो यहाँ पर अभी ये जो मतलब कि इतना जो ग्राउंड पड़ा हुआ है, इसको अभी जो है यूज में ले रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर अभी कंपनी बनना स्टार्ट हो गई है। तो कल से ही ये जो काम चालू हुआ है। तो अभी देखिए आगे आगे मैं आप सभी को दिखाऊंगी कि यहाँ पर क्या बनेगा, तो कैसा बनेगा वो आप सभी को दिखाऊंगी। और यहाँ पर इतना बड़ा जो ग्राउंड था, तो यहाँ बच्चे खेलते थे और मुझे भी टेंशन नहीं रहती थी बिल्कुल, क्योंकि बच्चे सामने ही खेल रहे और घर में ही हैं, तो टेंशन नहीं रहती थी। बाहर जाते बच्चे तो हमेशा डर लगा रहता है, बच्चे कहाँ हैं, और बाहर जाए तो उनके साथ में ही रहना पड़ता है। और इतनी ये एरिया थी, यहाँ पर खेलते थे बच्चे, तो बिल्कुल टेंशन नहीं रहती थी कि यहाँ बच्चे सामने ही खेल रहे हैं। और अभी है ना कंपनी बननी है, तो अब मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आप बच्चों को बाहर जाना पड़ेगा खेलने के लिए, इसीलिए। तो उधर है ना जो भी काम चालू हो गया है, और मैं आ गई हूँ किचन में, और बच्चे खिला रहे थे। वो लड़की है ना, वो हमारी पड़ोस की बच्ची, उसी को तो उसको ट्रॉली में बैठा के खेल रहे हैं। तो मैं उसको देख रही हूँ, मैंने कहा कहीं जो है कहीं गिरा विरा ना दो, और नहीं तो जो है बच्ची है कहीं लग जाए सुबह सुबह, तो इसीलिए मैं उसको देख रही थी। और फिर मैंने उनको बोल के आई कि आराम से खिलाना, नहीं तो जो है बच्चों को नीचे खेलो और उसको भी खिलाओ। तो मैंने उसको बोला, और मैंने अभी उसी को देखा है। तो यहाँ पर आ गई किचन में, और मैं अभी मेरी जो है खाने की तैयारी तो मैंने बहुत पहले कर दी, और सोचा चलिए अभी मैं बना लेती हूँ खाना। तो अभी है ना मैंने देखिए सुबह बाल धुले थे, और अभी ठंड का मौसम है, बाल है ना बहुत ज़्यादा जो है गीले रहते हैं, तो इसीलिए मैंने अभी बाल को खुला ऐसे ही रख लिया, क्लच लगा लिया था, और इसके बाद में खाने की तैयारी करने लगी। तो दाल चावल भी बन रहे हैं, और साथ में मैं बना रही हूँ चटनी। तो यहाँ देखिए मैंने थोड़े से टमाटर मैंने रख दिए थे सीखने के लिए, और ये जो ओवन की जाली होती है उसी पे मैंने रख दी, तो इस पे है ना बहुत अच्छे से सीख जाते, इसी पे मैंने आ दिए टमाटर को सेक लिया है। तो पहले अच्छे से सेक लूँगी, उसके बाद में फिर है ना मैं चटनी बनाऊँगी। और अगर इसकी चटनी बनाते हो ना, तो फ्रिज से बाहर निकाल दो, उसके बाद में इसको सेकना और फिर चटनी बनाना। अगर फ्रिज में से निकाल के तुरंत अगर बनाओगे ना, तो फिर ये अच्छे से सीखते नहीं है, क्योंकि मैंने एक दो बार ऐसे करके देखा है, फ्रिज में से निकाल के तुरंत सेको तो सीखते नहीं थे, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ। और यहाँ पर देखिए मैं है ना टमाटर सीख गए थे, तो मैंने सोचा चलिए टमाटर की चटनी आज हमने ऐसे बनाई है, ज़्यादा मतलब सीखे नहीं है, टमाटर थोड़े मतलब कच्चे भी रहने चाहिए और सीख भी जानी चाहिए, ऐसी मतलब चटनी अच्छी लगती है, और ज़्यादा पका दो फिर अच्छी नहीं लगती ज़्यादा, इसीलिए मैं थोड़े थोड़े इसको पकाऊंगी, जैसे कि ऊपर के छिलके मतलब कि जल गए और ये अच्छे से छूट जाए, बस इतना ही मैंने इनको जो सेखा था। उसके बाद मैं आप भी बना लेती झटपट से इसकी चटनी। देखिए मैंने छील दिया है, और अभी देखिए मैं इसको इस तरीके से काट लिए थे, और इसमें मैं डाल देती हूँ प्याज, हरी मिर्ची, धनिया, थोड़ी सी लाल मिर्ची, नमक, और स्वाद के अनुसार मैं काला नमक डाल दूँगी स्वाद के लिए। तो देखिए चटनी बनके तैयार हो गई, और यहाँ पर हम बना लेते झटपट से रोटी। तो रोटी तो अभी थोड़ी सी बनानी, क्योंकि हमने बनाई चावल तो इसीलिए, और दाल हमारी जो है बन रही है, चावल तो बन चुके हैं, तो चावल मैंने साइड में रख दिए थे, और थोड़ी सी रोटियां बना के फिर मिलती हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं मिल रही हूँ करीबन दोपहर के टाइम, और यहाँ हमने दिन में जो है कपड़े धो के डाल दिए थे, सूख गए, और हमारे यहाँ मौसम अभी अच्छा होने लगा है, धूप निकल आती है, तो कपड़े अब तो अच्छे से सूख जाते हैं,
मौसम अच्छा हो गया, अभी बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। सुबह अब ज़्यादा कोहरा नहीं पड़ता है, 2 दिन से हमारे यहाँ मौसम अभी अच्छा होने लगा है। कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा ख़राब था लेकिन अब ठीक है। तो यहाँ हमारे सारे कपड़े सूख गए हैं तो सोचा अभी उठा कर रख देती हूँ और फिर से शाम की खाने पीने की तैयारी करती हूँ। तो किचन में ही मैं दिन भर लगी रहती हूँ। तो देखिए शाम हो चुकी है और यहाँ पर मैं चलती हूँ किचन में। तो देखिए मैंने अभी खाने के शाम का जो है खाना बनाया था उसमें मैंने बनाई खीर और सेव टमाटर की सब्ज़ी और थोड़ी सी बनाई थी रोटियाँ। बस मैं पूड़ी बनाने वाली थी पर हस्बैंड को ज़्यादा मतलब तला हुआ उनको पछता नहीं, इसीलिए मैं शाम को रोटी बना लेती हूँ। वैसे हमको जो है खीर पूड़ी अच्छी लगती है तो सोचा चलिए अभी जो बन गया वही जो है खा पी लेते हैं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग भी मेरा जो है सुबह से शाम तक का ही है। और अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आज हमने खीर बनाई है वो भी गुड़ वाली खीर, तो बहुत ही बढ़िया बनी है दोस्तों। तो ठंड के मौसम में गुड़ की वाली खीर सच में बहुत ही अच्छी लगती है ठंड के दिनों में, और गर्मियों के दिन में तो खैर नहीं बनती लेकिन इन दिनों में ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने यहाँ पर बना ली खीर वीर और मेरा शाम का खाना पीना भी हो चुका है दोस्तों। आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मेरे वीडियो में कुछ भी आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए फिर मिलूंगे आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।